देखिए कैसा सुंदर दिखा, आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिए। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल अनिता वर्किंग ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में सबको स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और चलिए आज हम लोग जानते हैं, जैसे जो छोटी छोटी सी आप लोग मैसेज दिए थे कली बनाने के लिए, तो उसको मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग बने रहिए एंड तक, तो एंड तक देखेंगे तो पता चलेगा कैसे कली बनाते हैं। और जो जो मेरे गर्लफ्रेंड है उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए और सीखिए हैं कली बनाने के लिए। तो कली बनाने के लिए हम लोग चाहिए, देखिए कितना टाइप का हम लोग ये कली बना रहे हैं। ये है हमारा गोल्डन रिबन और ये है सिल्वर रिबन चाहिए, कॉटन चाहिए, थ्रेड चाहिए और ये है अर्गंडी, छोटा छोटा अर्गंडी पीसेस चाहिए। और हम लोग रेड का भी बनाएंगे, तो छोटा बड़ा दोनों साइज का। और ये है स्टॉकिंग क्लॉथ, जो सॉक्स क्लॉथ बोलते हैं। और चाहिए हमको ये वाला वेयर, स्टॉकिंग वेयर। और हम लोग को चाहिए ये वाला ग्रीन टेप। तो चलिए ये सबको लेके हम लोग कली बनाते हैं। और फ्रेंड्स बहुत सारे बहुत दिनों से कली बनाने के लिए कमेंट आ रहा था, तो चलिए आज तो फाइनली कली बनाना आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। आप लोग दूसरे टाइप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही आप लोगों को शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग ये वाला गोल्डन रिबन से, गोल्डन लेस से पहले बनाएंगे। तो थोड़ी सी कटन लेना पड़ेगा, हम लोग थोड़ी सी कटन लेंगे। और देखिए ये स्टॉकिंग वेयर में ऐसे लगाना है। ऐसे करके ऐसे थोड़ा करना है इसको, उसके ऊपर कोई भी आप लोग के पास क्लॉथ होगा, मैं ये वाला स्टॉकिंग क्लॉथ या वो सॉक्स क्लॉथ बोलते हैं उसको दे रही हूँ। आप लोग के पास अगर अर्गंडी क्लॉथ होगा तो अर्गंडी क्लॉथ भी आप लोग दे सकते हैं, तो मैं ये वाला क्लॉथ दे रही हूँ। इसको देख के अच्छी तरह से बाइंडिंग कर देंगे, इसमें भी हो जाएगा, नहीं तो हम लोग थ्रेड की मदद से बाइंडिंग करेंगे। उसके बाद देखिए ये हो गया, उसके बाद ये वाला रिबन को ये बीच में करके ऐसे मुड़ाई करना है। इसका फ्लावर पहले से मैं दिखाई थी कैसे बनाना है, दोनों को ऐसे मुड़ाई करना है बीच में। देखिए दोनों को मुड़ाई कर ली, उसके बाद बहुत इजी है, इसके बीच में रख के दोनों को ऐसे, देखिए इसके बीच में ऐसे रख के ऐसे बांधना है, दोनों को थ्रेड से बांधना है। और इसको भी ऐसे देखिए, इधर छोड़ा है, इधर छोड़ा है, तो ये दोनों को ऐसे लगाना है, ऐसे बीच में रख के ऐसे लगाना है और ऐसे बांधना है। देखिए फ्रेंड्स ये वाला कली हो गया है। और इसको हम लोग ग्रीन टेप से बाइंडिंग करेंगे।
तो देखिए ये वाला कली हो गया है। ऐसे ही हम लोग ये वाला सिल्वर कलर का भी बनाएंगे। देखिए हो गया। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड सेकेंड वाला बनाते हैं। हम लोग अर्गंडी क्लॉथ से बनाएंगे। तो इसको देखिए ऐसे जैसे फ्लावर बनाते हैं ऐसे खींचना है, ऐसे करना है और इसको ऐसे करके ऐसे करना है और यहाँ पर मुड़ाई करना है। ऐसे करके पंखुड़ा बनाना है। देखिए देखिए ऐसे पंखुड़ा बनाना है। आप लोग एंड तक देखेंगे तो पता चलेगा कितना कैसे हो रहा है। तो एंड तक नहीं देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। तो आप लोग शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए ये वाला पंखुड़ा हो गया। उसके बाद हम लोग इसको कली बनाएंगे। तो आप लोग चाहें तो पहले से ही इसको दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे के बाद में देने से भी होगा। तो हम लोग पहले से देते हैं इसको। देखिए थोड़ी सी ऊपर मुड़ाई करना है और इसके साथ ऐसे बाइंडिंग करना है। आप लोग चाहें तो इसमें कटन भी दे सकते हैं थोड़ी सी। तो थोड़ी सी कटन दे के भी आप लोग कट सकते हैं। इसे मुड़ाई करके बांधना है। उसके बाद देखिए ऐसे फिर देना है एक पंखुड़ा और इसको ऐसे खुला नहीं रखना है और ऐसे थोड़ी सी दबा देना है। ऐसे दबा के फिर बांधना है। उसके बाद एक तरफ दिए हैं फिर और एक तरफ से ऐसे। इसको भी ऐसे दबा के देना है टाइट करके। तो देखिए हो गया। इसका भी कली हो गया। अब तीन पंखुड़ा से एक कली हो जाएगा। और इसको भी दे सकते हैं आप लोग, इसको भी दे देते हैं। थोड़ा सी बड़ी वाला कली बनाते हैं। हो गया। ये वाला भी कली हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट तीन नंबर आपको कली सिखाती हूँ दूसरा डिजाइन का। तो देखिए हम लोग ये वाला स्टॉकिंग वेयर में ऐसे बना ली हूँ। जैसे बनाते हैं फ्लावर्स बनाते हैं वैसे ही इसमें भी कटन लगेगा। कटन हमेशा सभी में लगता है। थोड़ी सी कटन लेंगे और इसको ऐसे इसमें भी हम लोग इसको ले लेते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला जो है इसको हम लोग बीच में ऐसे दबाएंगे। ऐसे करके ऐसे दबाना है। इस सभी को पहले दबा लेते हैं। देखिए हो गया। ये फ्लावर का छोटा सा कली हो गया।
देखिए फ्रेंड्स, ये वाला भी हो गया। तो वैसे ही हम लोग दूसरे दूसरे डिजाइन के कली बना सकते हैं। तो ये बहुत सारा हो गया कली। वैसे ही देखिए हमारा तीन टाइप का रेडी हो गया कली। तो ये वाला देखिए छोटा छोटा, ये वाला स्टॉकिंग वेयर का छोटा छोटा कली है। ये थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी छोटी है। और ये रिबन लेस से हुआ है, गोल्डन और सिल्वर रिबन। और ये है ऑर्गेंजी क्लॉथ से, देखिए। ये हमारा कली रेडी हो गया। और इसको हम लेके कोई भी कुछ भी कहाँ कहीं पर लगा सकते हैं, और इसको लेके डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग एक डाली बना के देखते हैं कैसा दिखता है। इसमें थोड़ा एक डाली बनाते हैं। हमारा एक डाली, इसको थोड़ा सेटिंग कर देते हैं। देखिए कैसा सुंदर दिखा। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जो मेरे चैनल का अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और जो ये वाला मैं बनाई थी DIY, तो ये वाला जो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिए। मैं लिंक दे दूँगी एंड स्क्रीन पर। और देखिए कैसा लगा तो आज का। और बहुत सारे भाई लोग बहन लोग तो कमेंट करते थे तो कली कैसे बनाएंगे। तो आज आप लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा शायद। अगर नहीं होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। और कहाँ कहाँ से आप लोग कमेंट कर रहे हैं ज़रूर उनका नाम लिखिए, कौन सा टाउन से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।